जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम हमारे लल्लन के बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अरे बचपन से हमारे गोदी में खेला है। और जब बालन और झुमरी दोनों किसी भी सिलसिले से बाहर जाते थे तो हमारे पास ही छोड़ के जाते थे। पक्का ना? ये, हाँ, पक्का। ये कहाँ है आपको पता है? ये हाँ यही है, यही है। कहाँ पर? कहाँ बताइए। अरे वो हमारा विष्णु लाला बाहुबली। शब्द का श्रवण है करती विष्णु के मुख से सत्यवती माँ, आश्चर्य की सीमा न रही बस विष्णु को देखे सत्यवती माँ। जय देव जय देव। आज हम हमारे टीवी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, पर रुका हुआ घर से निकलते वक्त हम हमारे माई का आशीर्वाद ले नहीं पाए, लेकिन किशन भगवान ने हमार सुन ली। आप ही हमका हमार माई बनकर आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए अर्चना जी, देखिए आगे मत बढ़ जाए। यादव बूते, वो अर्चना देशमुख हमारी तरफ ही आ रही है। एक तो काम करते हैं बाजू अजावत, दोनों भी अगर कुछ किया ना ताक देंगे शादी का। यहाँ आ जा, आ जाइए। यादव यहीं आ रही हो, मुझे अपना गिरफ्तार करवाते रहेगी। हम देखा था आबादी आबादी। अगर हिलने की कोशिश किया तो उड़ा देंगे ये काम। अर्चना वही खड़ा रहे। ए देशमुख, कसम देता तू कि तू हमारे साथ चलाकी करेगा और छोड़ देंगे हम तेरे को। तू देख दिखावा था हम चीज का है। बंदूक मार, नीचे कर, नीचे कर। ए दस ससुरे, हम तब तक एका नीचे नहीं करेंगे जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते। ससुरे तुम लोग हमको हजार बार पकड़े हो लेकिन हर बार बच के निकले, आज भी निकल जाएंगे लेकिन ये अपना देशमुख को नहीं छोड़ेंगे हम आज। ए कोना मिलने की कोशिश नहीं करेगा समझे, नहीं तो मार देंगे एका हम। श्री अर्चना देशमुख जब देखो हमारी पीछे पड़ी है, तुमने नहीं आ बताए। ए ए का हाथ लगा बताया मेरे को, दूर रख अपना हाथ, कोनो भी आए बीच में तो मार देंगे। सोहम बेटा। ए क्या बेटा? बेटा कोनो बेटा कह रही है ससुरी पहले हमको मारने का प्लान बना बैठे, फिर बेका था बा हमरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, यहीं ठोक डाल हम तेरे को। तो मेरी बात सुन, आज तक मैंने तुझे कुछ भी करने से कभी नहीं रोका,
लेकिन भगवान के लिए आज मेरी बात सुन ले, ऐसा मत कर विष्णु। अभी तेरे जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है विष्णु, ऐसा मत कर, भगवान के लिए छोड़ दे। नहीं माई, तू नहीं रोकेगी आज हमको। ले पांच दिन अगर हम यहाँ से नहीं गए तो तू गई, समझी? चल मेरे साथ, चल। हे विष्णु, हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे, कोई नहीं गोली चलाएगा। तू बंदूक वहां नीचे कर, अर्चना जी को छोड़ दे। ये देख, ये देख। ए पागल समझा क्या हमको? ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम साले कायर लोग, मालूम नहीं कितना फौज लेके आए हो अपना। हमरे को कोनो भी गोली मार सकता है, समझे कि नहीं? ए लाला, ए पुलिस की बात पे विश्वास मत करना। ये सब गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो का? भाग, भाग जा यहां से, भाग जा। ए अब क्या कह रहे हैं? नहीं विष्णु, विष्णु मेरी बात मत मान। तू भगवान के लिए तो मत कर। इंस्पेक्टर अपना लोगन से कह चला जाए, नहीं तो हम लोग यही मार देंगे, का समझे के नहीं? भाई तू शांत रहना, बीच में मत आना। ए बाबा, बाबा हम भाग जाएंगे यहाँ से, हमको देख लेना, ठीक है? ए देशमुख, तूने भी अगर गुस्ताखी किया तो तू भी गया आज, समझा के नहीं? तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। ए कहाँ सो हम, कहाँ हाथ लगा रही है हम, हंसका है रही? हाँ तू जाना थे हम, तुम इंसान की मौत आबत है, वो पागल हो जाबत है। कभी हंसत है कभी रोबत है, तू भी हंस ले, छोड़ेंगे नहीं हम तोरे का, समझ में आया? बता कि नहीं? हे अगर हम कोई पुलिस वाले बचना है तोरे को अपने साथ लेके जाना होगा, चल मेरे साथ। ए हंसता बंद कर, चल। ए बीच में नहीं आना, देख विष्णु। ए हट जा यार, देख देख, कोई भी बीच में आया तो मार देंगे, उड़ा देंगे का, समझा? भाई सांद्रे, सांद्रे भाई, ए आवाज दीजिए। ए अर्जुताई और मानव जीजू को बताना होगा कि बिस्लू ही सोहम है, वरना पुलिस उसे मार देगी। तोरे को क्या लगा हमरा इलाके में आके यहाँ की पुलिस से मिली भगत करके हमका पकड़ लेगी? चल यहाँ से। शहरी लोगन सोचना खत्म करते हो ना, वहां से 200 कदम आगे हमारी चलाकी शुरू होबत है। वो तेरा पति और पुलिस वाला नहीं आ तोरे को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं तोरे को, समझी? चल। ये गुंडा अर्चना को लेकर जंगल में क्यों है? कहीं अर्चना को? नहीं, मैं अर्चना को कुछ नहीं होने दूंगा। आई अर्चु का कोई फोन आया? सोहम की कुछ खबर नहीं बेटा। वैसे तेजू का फोन आया था, कह रही थी कि वो लोग दरभंगा में, और जैसे ही सोहम के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बताएगी। सच कहूं मेरा भी बहुत मन करता है अर्चु से बात करने का, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी चिंता देखकर वो और परेशान हो जाएगी। और पता नहीं वहां पर उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। प्रॉब्लम्स तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी शुरू, और ये सब वर्षा की वजह से हुआ। ना ही वो सोहम को लेकर भाग जाती, ना ही उन दोनों के मौत की खबर हमें मिलती, और ना ही मानव अर्चना को छोड़कर कैनेडा चला जाता। भगवान वर्षा को कभी माफ नहीं करेंगे, आज उसी की वजह से मेरी अर्चु का परिवार अधूरा। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब पता चला कि सोहम जिंदा है तो हम सबकी उम्मीद फिर से जाग गई है। अब अगर अर्चना को सोहम नहीं मिलेगा ना,
तो मेरी अर्जू टूट जाएगी। नहीं आई, इस बार ऐसा नहीं होगा। सोहम हमें जरूर मिलेगा, पप्पा है ना वो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।